अब जब टर्म वन एग्जाम्स बहुत सामने हैं, तो अब सवाल ये है कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए जो हमको 35 out of 35 मार्क्स क्लास 12th CBSE में दिला सकता है। क्लास 12th, देखिए इन सब में से सबसे सही दो ऑप्शन है और उसका भी रीजन है, तो रीजन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद बुक सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए अगर आप पूरा साल पढ़े हैं ध्यान से एकदम सोच समझ के, एक एक चीज का नोट्स लिख के, एक प्रॉपर नोट्स बना के, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बना के, तब आपके लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है और आप अरिहंत ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, या ओसवाल ले लीजिए, दोनों ही सही होगा तब आपके लिए, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो। अब अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, आपको फिजिक्स के बारे कोई नॉलेज नहीं है और आप अभी भी समझना चाहते हैं, मतलब कि कहां से कौन सा टॉपिक है उसको एक बार इजीली समझना चाहते हैं, डेरिवेशन कौन सा इग्नोर करना है, तो सबसे पहले, और अगर आप बुक से भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आपको बुक भी पढ़ने का शौक है, तो एनसीईआरटी तो भूल जाइए अभी, अगर आप पूरा साल नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही भूल जाइए। आपके लिए सबसे सही होगा एसएल अरोरा प्लस ओसवाल, और अगर आपका पूरा नोट्स अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है, आपको फिजिक्स आसान लगता है, फिजिक्स के बारे बहुत सारा, मतलब आप ध्यान से पढ़े हैं, आधा ईयर ध्यान से पढ़े हैं, तब आपको तो सिर्फ एक बुक लेना चाहिए, अरिहंत लेना चाहिए, बस कहानी खत्म। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब जिसको थोड़ा आता भी है, नहीं भी आता है, प्रॉब्लम भी है, तो ये दोनों में से कोई भी ले लीजिए, या तो अरिहंत ले लीजिए या तो ओसवाल ले लीजिए। अब दोनों में से बेस्ट कौन है, तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन यहां पर पिछले साल के टर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से अरिहंत सही था, अभी ओसवाल भी सही है, ओसवाल इज द बेस्ट। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो ओसवाल इज द बेस्ट, कोई एड वर्ड नहीं है, ओसवाल सबसे बेस्ट है ना, अरिहंत भी ले सकते हैं, अगर आप अरिहंत ले लिए वो भी बहुत बेस्ट है, वो कोई खराब किताब नहीं है, लेकिन ऐसा हम ओसवाल को ही देखें और अरिहंत को भी कंपेयर किए तो ओसवाल थोड़ा सही है, ओसवाल ले लीजिएगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़े हैं, और अगर आप फिजिक्स अच्छा से पढ़े हैं, सारा नोट्स बनाए हैं, तब तो आपको सिर्फ दोनों में से कोई भी ले लीजिए, साफ यही बात है कि अरिहंत तो सवाल दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए तो सही है। मतलब आपके पास एनसीईआरटी तो पक्का होना चाहिए, ये होना हो, ऐसा लरोरा होना हो, एनसीईआरटी बुक तो पक्का होना चाहिए, उसके बाद ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक रखिए ये चेक करने के लिए कि आपका सारा कंटेंट कंप्लीट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए एनसीईआरटी जरूर होना चाहिए आपके लिए। ओके, थैंक यू।